आप देख रहे हैं समाचार ए टू ज़ेड। दरिंदों ने किशोरी को बनाया अपनी हवस का शिकार। जनपद हमीरपुर में बेकौफ दरिंदों ने किशोरी को बनाया अपनी हवस का शिकार। पिता ने लगाई थाने में गुहार। थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे जांच करने। थाना क्षेत्र के टीहर गांव में बुधवार सुबह पीड़िता अपने किसान पिता के साथ खेतों में फसल कटाई के बाद बची गेहूं की बालियां बीनने गई 13 वर्षीय किशोरी को तीन दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता किशोरी के पिता ने थाना बिम्बार में तहरीर देकर बताया कि बुधवार सुबह वह गांव के द्वारका प्रसाद के खेत में अपनी गाय लेकर जा रहा था, जिससे उसकी 13 वर्षीय पुत्री व 6 वर्षीय पुत्र भी उसके साथ फसलों की बालियां बीनने चला गया। बताया कि रास्ते में उसकी गाय बिदड़कर भाग खड़ी हुई, जिसे पकड़ने वह गाय के पीछे पीछे भागा और काफी दूर निकल गया। बताया कि जब वह गाय को लेकर लौटा तो अपनी पुत्री को ना पाकर अपने पुत्र से पूछा, जिस पर पुत्र ने बताया कि तीन युवक किशोरी को पकड़कर खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे में ले गए हैं, जिनकी शिनाख्त तीहर निवासी आनंद कुमार पुत्र जगमोहन, संजय प्रजापति पुत्र श्री कृष्ण निवासी धनपुरा व मोदहा के चांद बाबू पुत्र पप्पू निवासी मोदहा के रूप में हुई। पीड़िता के पिता ने जाकर कमरे को खुलवा अपनी पुत्री को मुक्त करवाया व आवेश में आकर आरोपी चांद बाबू पर कुल्हाड़ी से हमला भी कर दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज किया और मौके पर जांच के लिए पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक लाल साहब यादव, क्षेत्र अधिकारी मोदहा सुपसूचित व थाना प्रभारी श्री मिलन सरोज ने घटना स्थल का मुआयना किया और पीड़िता का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। बताया कि किशोरी का मेडिकल चेकअप करवाया गया है। पीड़िता किशोरी का पिता तांगा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों अपराधियों को धारा 376 डी, 342 आईपीसी व 06 पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। क्या मामला हुआ? हर टिकट से तो उसने पकड़ लिया था मुझे, फिर मशीन के अंदर बिठा लिया था, फिर अंदर ले गया, तो फिर मेरे भाई को भी बिठा लिया मशीन के अंदर, फिर उसको अंदर ले गया जने, तो एक जने मेरी दफ्ती बांध दी मुँह में, उसने मेरे कपड़े उतारे, कपड़े उतार के फिर मेरे इसके मेरे ऊपर पड़ गए। जब मेरा पापा आया मेरे को उसने बचाया, फिर मेरा भाई भी गया चिल्लाया, तो कुल जने आते तीन चार जने आते, मैं बैठ रहे अम्मी थे तो हम बैठ रहे। मामला ये हुआ साहब के यहाँ से ये दोनों लोग सिला बीनने जा रहे थे खेत पे जी। जगमोहन का लड़का यहाँ से जैसे भी लेके गया, उसमें तीन लड़के थे जी, एक मोदहा का भी था, एक धनपुरा का था जी, मोदहा का मुसलमान था जी। यहाँ जगमोहन कुशवाहा का लड़का था, इन दोनों लोगों ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया जी, ले गए बाहर गांव घर पे जी। और ये 10-11 साल का मेरा लड़का है, इसे पकड़ के मशीन में बंद कर लिया जी, फिर छोड़ा नहीं लोगों को। जब मैं यहाँ से पहुंचा तो ये मशीन लेके भग ठड़ गए। अच्छा हाँ, फिर सुबह से मैं थाने गया जी। क्या हुआ वहाँ, मामला दर्ज हुआ? हाँ मामला दर्ज हुआ। चलिए आप देख रहे हैं समाचार।